हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज एक विशेष प्रयोजन से आप सभी से मिलने का प्रयास किया हूं। विशेष करके जो हमारे ये यूजीसी के बच्चे जो हमारे क्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे नेट जेआरएफ की तैयारी में लगे हुए हैं, इन सारे बच्चों के लिए, इन सारे बच्चों के लिए आज ये विशेष क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कभी कभार एकाध प्रश्न इसका पीजीटी में भी पूछ लेता है, इतिहास दर्शन से रिलेटेड एकाध प्रश्न मैंने एमबीएस में देखा है, केवीएस में देखा है ना, टीजीटी में नहीं दिखाई दिया। हाँ, लेकिन पीजीटी में एकाध इतिहास दर्शन से दिखा। लेकिन जो मुख्य रूप से आज मैंने हाईलाइट किया है, यह यूजीसी नेट जेआरएफ ओरिएंटेड और क्रेट की परीक्षा को टारगेट करके है ना, इतिहास दर्शन और लेखन इसमें टॉपिक होता है, जो जहां से प्रश्न बहुत ढेर सारे आते हैं। तो आइए सारे लोग, उमा यादव जी, श्याम बालक जी, ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग इसमें देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। मित्रों, एक खास बात है कि जितना गहराई से अध्ययन किए रहेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आइए जल्दी जल्दी आप जुट जाइए, और जुटने के साथ ही साथ इसे उन बच्चों के लिए शेयर करिए, लाइक करिए, जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और क्रेट की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा, माने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। कभी कभी हमने देखा है कि एक दो प्रश्न यहां आकर के बच्चों को दिखाते हैं। तो इतिहास दर्शन समझते, फिलॉसफी, लेखन, विचारधारा, दर्शन से मतलब यहां विचारधारा, आइडियोलॉजी। जब आप बड़े लेवल पर, अभी जब आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी करते होते हैं, तो बस आप फैक्ट बेस पर तैयारी करते रहते हैं, है ना, फैक्ट बेस पर, किसने कब क्या किया, किसकी क्या माने रणनीति रही, कौन सी सामाजिक संस्कृति रही, क्या धर्म रहा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही, प्रशासन कैसा चला, है ना, साम्राज्य विस्तार कैसा रहा, इतने तक सीमित आप रहते हैं। लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर जाते हैं, तो वहां पर दर्शन मन विचारधारा की बात आती है कि आखिर में इतिहास में ऐसा कौन सी दार्शनिक विचारधारा है, इतिहास में कहां दर्शन का समावेश है। लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं, तो निश्चित इसमें दर्शन का समावेश है। दोस्तों, आज आपको उन चीजों को बताऊंगा, जैसे आप यूं समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि भैया इतिहास से कोई लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता, बेकार विषय। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। तो ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया, इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा, तो बिना दर्शन के तो बात हो नहीं रही है, है ना। तो इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। तो विशेष करके आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक। ये किसका स्टेटमेंट है, कौन बताएगा, इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। यहां लिखता हूं, इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जी बेटा, तो बस पहले ये चीजें तो मैं लिख ही रहा हूं, पहले हमारे संस्थान का नंबर भी ले लीजिए आप, नाइन सिक्स टू एट नाइन फाइव नाइन टू थ्री से। एक नंबर और है, एट थ्री वन एट फोर एट नाइन टू नाइन से, नाइन टू नाइन,
इन दोनों नंबरों से संपर्क आप हमसे कर सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनो, ये क्लास वो बच्चे समझ पाएंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके, जो सामान्य जानकारी रखते हैं उनके लिए लगेगा यार ये क्या है, कुछ नहीं है, है ना। लेकिन यदि आप एक शिक्षक होने के नाते तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के जरिए सेलेक्ट होना चाहते हैं अथवा आप पीजीटी के जरिए सेलेक्ट होना चाहते हैं, इसके बाद तो फिर हायर में जाना चाहते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, है ना, नेट जेआरएफ होना चाहते हैं, क्रेड की परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं रिसर्च के लिए, तो बिना इस टॉपिक के पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। आज उसी को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न मैंने कहा दर्शन होता क्या है, इतिहास विज्ञान है कम ना ज्यादा, इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज्यादा, मतलब किसी भी कीमत पर विज्ञान से कम नहीं है। ये उन लोगों को तमाचा है जो कहते हैं इतिहास का कोई वैल्यू नहीं है, है ना, इतिहास के बिना कुछ भी नहीं, ये वो थ्योरी है, मतलब विज्ञान के पूरा बराबर इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। ये स्टेटमेंट प्रोफेसर जेबी ब्यूरी का, प्रोफेसर जेबी ब्यूरी, ये इन्होंने कहा कि इतिहास किसी भी, भाई लड़ाई इस बात की थी कि इतिहास में वैज्ञानिकता है या नहीं है, जब रांके वगैरह आए, है ना, या आप रांके के साथ साथ कांट वगैरह की बात कर लीजिए, या जितने भी इस टाइप के क्रिटिसाइज वाले विचारक हैं, इन्होंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ब्यूरी का स्टेटमेंट बिल्कुल श्याम वाला की, यू आर राइट, ये ब्यूरी का स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, ये लड़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आज उसी टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो कुछ थॉट्स मैंने इसमें रखे हुए हैं, दिखाई आपको दे रहा हूं इतिहास दर्शन के बारे में। कॉलिंगवुड क्या कहता, कॉलिंगवुड एक विद्वान है, कहता है वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक कहा जाता, वॉल्टेयर। अब यहीं से प्रश्नों की शुरुआत आपके पीजीटी लेवल पर हो गई, इतिहास दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, वॉल्टेयर को कहा जाता है, है ना, ऐसा कौन कहता है, कॉलिंगवुड कहता है ना। अब ये हम वॉल्टेयर क्या कहते हैं, वॉल्टेयर के अनुसार क्या है, वॉल्टेयर ये कहते हैं कि इतिहास दर्शन का अभिप्राय इतिहास का विश्लेषणात्मक अथवा वैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब इतिहास सिर्फ कहानी कथा नहीं है बल्कि इसमें एनालिटिकल है, ये इतिहास विश्लेषणात्मक है और साइंटिफिक है। ये स्टेटमेंट किसका है, कॉलिंगवुड का है। लेकिन अब कॉलिंगवुड की विचारधारा को थोड़ा सा, मैं सॉरी कॉलिंगवुड को थोड़ा सा निगेटिव कहने का प्रयास कर रहे हैं, कौन कह रहे, वॉल्स कह रहे, वॉल्स ने ये इनका विरोध किया, कहा कि ये नहीं है इतिहास दर्शन के जनक बल्कि इटालियन विद्वान वीको इतिहास दर्शन के जनक है, है ना। वॉल्स का कहना है कि इटालियन दार्शनिक वीको इतिहास दर्शन के जनक है, बट कॉलिंगवुड के अनुसार वॉल्टेयर इतिहास दर्शन के जनक है। इस लड़ाई के बारे में क्या होगा, है ना, आगे क्या है, अंततः जो निष्कर्ष हमारे विद्वानों ने निकाला कि वीको आधुनिक इतिहास दर्शन के जनक, दो बातें समझिए, बात को वीको को आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक माना गया और वॉल्टेयर को प्राचीन या प्रारंभिक इतिहास दर्शन का जनक। अब आपके पास दो तथ्य आ गए, एक प्रारंभिक इतिहास दर्शन का जनक कौन है, वॉल्टेयर है, और आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक कौन है, वीको है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पीजीटी में कभी कभार पूछ सकता है, कभी कभार, कोई जरूरी नहीं कि आए ही आए, हाँ, लेकिन ये नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर क्रेड की परीक्षा जो पीएचडी कराने के लिए होती है, है ना, पीएचडी में प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस होता है ना, तो ये आप निश्चित इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे और इस प्रकार का नॉलेज आपको बेहतर
करेगा। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए भाई अब देखिए आगे बढ़ाइए इसको, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, अब अगली चीज क्या है, अगले विद्वान है हाइडर। अगले विद्वान कौन है? हर्डर। चलिए अब हर्डर क्या कहते हैं, हर्डर के बारे में ध्यान दीजिए। हर्डर क्या कह रहे हैं, ठीक है, हर्डर की भी विचारधारा सुन लीजिए भाई। हर्डर अपने हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं देखिए ध्यान से। आइडिया फॉर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हर्डर की यह रचना, यह पुस्तक किसकी है ध्यान दीजिए, यह पुस्तक किसकी है, आइडिया फॉर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यह किताब लिखी हर्डर ने। शेयर करो यार, थोड़ा इसे शेयर करो बड़े ग्रुपों में, है ना, उन बच्चों को शेयर करो जो यूजीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो क्रेट की तैयारी कर रहे हैं, वहां शेयर जरूर करिए, क्योंकि बेटा ये टॉपिक पढ़ाने की हिम्मत जुटाता नहीं है कोई, ठीक है। ये मेरा प्रयास है अपना, और ये बिना अनुभव के नहीं आ सकता, हमारा अपना 2012 से पढ़ाने का यूजीसी नेट जेआरएफ का हमारा अपना अनुभव रहा है। मैं डबल नेट हूं, है ना, मैंने दोनों हिस्ट्री से कर रखी है, जेआरएफ हूं मैं, इसके साथ साथ जो हमारा विभिन्न परीक्षाओं का अपना अनुभव रहा है उसके परिणाम स्वरूप ये बताने की हिम्मत जुटा पाया कि किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण होता है। तो उन प्रश्नों की सीरीज से मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो हर्डर की रचना है आइडिया फॉर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, है ना। इतिहास दर्शन को इन्होंने आगे बढ़ाया, इतिहास दर्शन के बारे में इन्होंने बताया, ऐसे ही लेक्चर्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हीगल ने भी इसमें, है ना, इतिहास के दर्शन को बताने का प्रयास किया, है ना। अब कॉलिंगवुड जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, इन्होंने क्या कहा इतिहास दर्शन के बारे में, इतिहास दर्शन अतीत, अतीत और इतिहासकार के मस्तिष्क का पारस्परिक सामंजस्य है। देखिए प्रश्न आता है, किस राइटर ने कहा इतिहास, इतिहास और इतिहासकार के बीच, है ना, परस्पर अंतर संवाद है, है ना, परस्पर अंतर संवाद है, उत्तर अलग हो जाए। और किसने कहा इतिहासकार के मस्तिष्क का पारस्परिक संबंध सामंजस्य है, मतलब इतिहास दर्शन एक्चुअल में है क्या। तो कॉलिंगवुड कह रहे हैं अतीत और इतिहासकार के मस्तिष्क का प्रारंभ पारस्परिक सामंजस्य है, है ना, दोनों में अलग अंतर परिसंवाद है, वो एक अलग प्रश्न हो गया और ये अलग प्रश्न हो गया, ठीक है। अतीत के परिवेश में इतिहासकार की मानसिक प्रक्रिया अथवा चिंतन को इतिहास दर्शन कहा जाता है। तो हिस्टोरिकल फिलॉसफी है क्या, अतीत की घटनाएं और खोजकर्ता के मेंटल लेबल के बीच जो अंतर क्रिया होती है कि वह समझा क्या, उसने देखा क्या तथ्य को और समझा क्या, और जो समझा वही आपको परोस दिया। तो ये इसीलिए इन्होंने कहा कि अतीत और इतिहासकार के मस्तिष्क का पारस्परिक सामंजस्य है, दोनों के बीच ये बैलेंस है। अतीत के परिवेश में इतिहासकार की मानसिक प्रक्रिया अथवा चिंतन को इतिहास दर्शन कहा जाता है। ये आप पूछा जाए किसका होगा, कॉलिंगवुड का होगा। तो उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको उस बात के लिए समझा दिया होगा जब कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रश्न दे देता है, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए अगला लेवल फिर कलिंगवुड का एक स्टेटमेंट यहां पर है। कलिंगवुड साहब क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कलिंगवुड ने पूरे इतिहास को विचार का इतिहास कहा, पूरा इतिहास संपूर्ण स्थिति क्या विचारों का इतिहास माना। क्यों कहा? क्योंकि अंतर परिसंवाद है, एक दूसरे सॉरी सामंजस्य है, माने पास्ट अतीत का और खोजकर्ता अर्थात इतिहासकार के बीच जो जानकारी का आपस में अंतर संवाद बनता है उसी से इतिहास की माने कृति सामने आती है। देखिए इसमें एक और भी है, सत्यम शिवम सुंदरम का अन्वेषण होता है। ठीक, ये कुल मिलाकर आपका कहने का तात्पर्य है कि कलिंगवुड ने इतिहास को विचारों का इतिहास कहा। जो इतिहासकार लाना चाहता है, जो समझाना चाहता है, वो यहीं पर आपको मिलेगा। अब आगे देखिए कलिंगवुड साहब के विचारों को कौन काट रहा है, कलिंगवुड के विचारों को कौन काट रहा, अब देख लीजिए आप सीधे सीधे देखेंगे आप सारे लोग, है ना। तो ये देखिए ध्यान से, अब प्रोफेसर ब्रॉड, प्रोफेसर ब्रॉड के शब्दों में इतिहास दर्शन के दो स्वरूपों को माने परिकल्पनात्मक एवं विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन कहा जाता है। माने प्रोफेसर ब्रॉड के अनुसार इतिहास दर्शन के दो स्वरूप है ना, हिस्टोरिकल फिलॉसफी, इतिहास दर्शन के स्वरूप। तो इनके दो स्वरूप हैं, एक है ना, एक परिकल्पनात्मक है, परिकल्पना आधारित है कैसा रहा होगा, और दूसरा खोज करके विश्लेषण करना विज्ञान वाली श्रेणी में विश्लेषणात्मक है ना। तो जो आधुनिक विचारधारा, जो आधुनिक विचारधारा है विश्लेषणात्मक पर आधारित है, यह वैज्ञानिकता पर आधारित है, मैंने जो देखे उसका एनालिसिस करे, खोज करे और उसका सामंजस्य बिठाने के बाद ही उसे तथ्य स्वीकार करे। परिकल्पनात्मक की प्राचीन लेखन पद्धति थी दर्शन की, जिसमें कहा जाता था कि इस प्रकार से एनालिसिस किया जाता था कि ये अभी मैंने ऐसा देखा, ऐसा है तो ऐसा जरूर रहा होगा। यहां ये लोग इस पर नहीं, ये पूरा एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, कहते हैं कि इतिहास को टिकाना है तो उसको वैज्ञानिकता पर परखना होगा, विश्लेषण करना होगा तथ्यों के आधार पर, तब जाकर के वो माना जाएगा। तो इसी आधार पर प्रोफेसर ब्रॉड कहते हैं कि इतिहास के दो भाग हैं, परिकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक। डायरेक्ट प्रश्न आता है परिकल्पनात्मक हिस्ट्री क्या होती है, विश्लेषणात्मक हिस्ट्री क्या होती है। तो ये चीजें दिमाग में जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप इतिहास दर्शन या फिलॉसफी समझ नहीं पाएंगे। तो समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा क्या चीजें आपको, जितने लोग भी देख रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूं, यदि आप उस लेवल के स्टूडेंट हैं तो जरूर समझ, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स करिए, है ना। कोशिश हमारी यही है कि बड़े विचार को आपको समझाने का प्रयास करो जो हायर लेवल पर बहुत काम का होता है, बिना इसके आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो लेवल नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए, है ना। देखिए ध्यान से आगे देखिए, अगला प्रश्न माने अगला सेंटेंस क्या है, अगला स्टेटमेंट अब आपको देखना होगा। ठीक है, जब हम अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहां ठीक है, अब प्रोफेसर शेख अली क्या कह रहे हैं, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। अब जैसे कि मैंने कहा कि दो प्रकार का होता है, एक होता है ना परिकल्पनात्मक इतिहास होता है और दूसरा कहता है, चलो चलो श्याम बालक घटा हुआ है, बाकी और सब क्या कर रहे हैं, किसी को बोलने की हिम्मत तक नहीं भैया, कमेंट्स कर दो यार कैसा लग रहा मेरे भाई, नहीं सही लग रहा तो भी बता दो, मैंने आपको बढ़िया नहीं आपको समझ में आया तो भी लिखो, समझ में आता तो सब लिखो, तो हाँ तो बोलो यूजफुल है या नहीं। तो चलिए अब विश्लेषणात्मक हिस्ट्री के बारे में, एनालिटिकल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, एनालिटिकल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में क्या कह रहे हैं, कौन कह रहा है क्या, है ना। देखो
तो विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांश युक्त प्रस्तुतिकरण है ना, इसका क्रिटिसाइज करते हुए कि यह कैसे रहा होगा, यह कैसे हो सकता है। इन सारे डिस्कशन के पश्चात एक निष्कर्ष निकालते हुए प्रस्तुतिकरण ही इतिहास दर्शन है ना, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन है प्रोफेसर शेखरी का है यह स्टेटमेंट, और इसे ही ऐसी ही विचारधारा को साइंटिफिक माना जाता है। क्या माना जाता है? साइंटिफिक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब कलिंगुड क्या कह रहे हैं, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन से इमेजिनेशन पर आधारित का स्वरूप प्राचीनतम है, जबकि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है। तो इसी से प्रश्न आता है, इतिहास लेखन में नवीन विचारधारा क्या है, प्राचीन विचारधारा क्या थी? प्राचीन विचारधारा परिकल्पनात्मक आधारित थी है ना, और नवीन विचारधारा जो है विश्लेषणात्मक आधारित है, विश्लेषण पर आधारित यह विचारधारा है। चलिए आगे देखिए, इस तरह से आपको समझना होगा। अब देखिए इसमें एक स्टेटमेंट बड़ा बेहतरीन आता है कभी कभार प्रश्न में कि अरस्तु ने इतिहास को क्या कहा। अरस्तु ने इतिहास को कविता से भी निम्न माना, कविता से भी तुच्छ कहा। अरस्तु के अनुसार इतिहास क्या, कविता से भी नीचा स्तर दिया। हाँ, वाल्टेयर ने इतिहास को क्या कहा, वाल्टेयर ने इतिहास को मृत अतीत के प्रति चाल कहा, माने मरा हुआ जो अतीत है उसे बाहर लाने का प्रयास किया वाल्टेयर के अनुसार। तो वाल्टेयर इतिहास को कविता से निम्न मानता है, अरस्तु, और वाल्टेयर कहता है कि इतिहास मृत है, उसे फिर से चलाने का प्रयास किया जाना ही इतिहास दर्शन है। फिर चलो आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न, अगला इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या है, चलिए ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है ना, चलिए ये अरस्तु है, इसके बाद ये रहा आपका, ठीक। ध्यान से देखिए, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे इसमें, है ना, देखिए। चलिए, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का मूल उद्देश्य इतिहास चिंतन की मूलभूत समस्याओं पर विचार करना और उसे वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत करना है ना। मतलब विश्लेषणात्मक इतिहास इतिहास को वैज्ञानिकता की ओर ले जाता है, कहां ले जाता है, वैज्ञानिकता की ओर। यही कुल मिला के माने विश्लेषणात्मक इतिहास विषय को वैज्ञानिक बनाता है, ठीक है, ये आपको समझना होगा। है तो बहुत टफेस्ट है, ये आसानी से फिलॉसफी समझ में नहीं आती, लेकिन यदि आपने लगातार पढ़ने का प्रयास किया, मेरा लेक्चर सुनने का प्रयास किया, तो निश्चित ये आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान ये बना दूंगा मैं आपको, ठीक। तो वन बाय वन इसे आप समझते रहिए। देखिए अब अभी तक आपने विश्लेषणात्मक इतिहास पढ़ा, अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है परिकल्पनात्मक क्या होता है ना, इस स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। देखिए ध्यान से, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों का अनुमान लगाकर प्रस्तुत किया जाना परिकल्पनात्मक दर्शन कहलाता है ना। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो ज्ञात नहीं है, जैसे हमने महाभारत युद्ध नहीं देखा,
हम लोग उस युग के नहीं है, है ना। तो ऐतिहासिक तथ्य जो हमारे पास मौजूद है उसके आधार पर अज्ञात तथ्यों का अनुमान लगाकर उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिकल्पनात्मक इतिहास लेखन या इतिहास दर्शन। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, ये आपने समझ लिया। चलो अगले पेज पर आप हम आप सब चलेंगे। आप ये कुल मिलाकर आपने बेसिक समझ लिया। चलो तो ये बेहतर रहा आपने इन सब चीजों को देखा। चलिए अब इसमें वीको के बारे में देखिए। अभी आपने नाम सुना था वीको का। वीको एक क्या है? वीको एक दार्शनिक, वीको एक दार्शनिक है। ये है वीको, वीको साहब दार्शनिक हैं और इनका समय 1662 से 1774 तक रहा। इन्होंने कई किताबें लिखी, है ना, वेरम फैक्टर्स, साइंस ए नोवा, नेपल्स, ये सब चीजें लिखकर के इन्होंने दर्शन माने इतिहास में दार्शनिक विचारों को समावेश किया, है ना, या फिलासफिकल विचारों का इसमें समावेश किया। अब इसमें प्रश्न क्या आता है, वीको की पुस्तकें क्या क्या है? नेपल्स, है ना, साइंजा नोवा और वेरम फैक्टर, ये वीको की किताबें हैं जिन्होंने इतिहास दर्शन को, आधुनिक इतिहास दर्शन, ये स्पेशली इटालियन इटालियन है वीको, और इनका जो योगदान रहा आधुनिक इतिहास दर्शन के जनक इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक इतिहास दर्शन के इन्हें जनक कहा जाता है। ठीक, आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? इन्हें वीको साहब, आधुनिक इतिहास दर्शन या लेखन का जन्म। समझ गए आप सभी लोग? यह बात समझ में आ गई बेटा? वीको को माना जाता है, वीको की तस्वीर है, वीको की पुस्तकें हैं, इन चीजों को आपको विशेष करके ध्यान देना। चलिए आगे अगले विचारकों की बात करते हैं। देखिए हर्डर, हर्डर की भी तस्वीर आपके सामने है। हर्डर भी वैश्विक विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में माना जाता है। वैश्विक विचारधारा हर्डर, हर्डर का समय देखिए 1744 से 1803 है। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे एट अनदर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, द आइडियाज फॉर द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, है ना। तो हर्डर साहब में वैश्विक विचारधारा, विश्वात्मा की विचारधारा को प्रकट करते हुए इन्होंने इतिहास को बहुत ही परिकल्पनात्मक परिप्रेक्ष्य से आगे ले जाने का प्रयास किया। ये कौन है? ये हर्डर है। हर्डर की तीन दो किताबें हैं, एट अनदर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इसके बाद द आइडियाज फॉर द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इन किताबों को भी ध्यान रखना होगा। ये पढ़ाने के पश्चात नोट्स आपके हाथ में होगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित आपके लिए यह लाभकारी रहेगा। चलिए अब हर्डर ने और क्या कहा, थोड़ी सी बातें और ये हर्डर की समझा दूं। हर्डर जो है, हर्डर क्रांड के इस विचार से बहुत प्रभावित थे।
कि मानवीय विकास में प्राकृतिक परिस्थितियों अधिक प्रभावित होती है। उसने मानवीय इतिहास की व्याख्या सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में की थी। जर्मनी में स्वच्छता माने हर्डर मूल रूप से कहां गए थे, हर्डर मुख्यतः हर्डर जर्मनी के विद्वान थे और हर्डर का विश्वात्मा, हर्डर का जो विश्वात्मा सिद्धांत था वो बड़ा मशहूर था, विश्वात्मा सिद्धांत हर्डर है ना। बाकी हर्डर के अनुभव, हर्डर अनुभव को तर्क से ऊपर रखते थे। स्वच्छंदतावादी विचारधारा के जनक कहे जाते हैं। इतिहास और प्रकृति के एक समान नियम तंत्र का पालन करते, कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति का नियम निर्धारित होता है, निश्चित होता है, उसी प्रकार इतिहास का भी चक्र निर्धारित होता है। जिस प्रकार से जीवन प्रकृति का है मामला, प्रकृति का चक्र यह है कि भाई नेचुरल ढंग से गर्मी बारिश और जाड़े का सिस्टम है, ऐसे ही मानव जीवन में भी है, जन्म होगा, विकास होगा, विनाश होगा, यह निश्चित है। तो इस प्रकार की विचारधारा यहां हर्डर की विचारधारा थी। आगे देखेंगे आप, ठीक है। अब इतिहास दर्शन के बारे में प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न खल्दून भी एक बड़े विचारकों में से एक हैं। अब ये क्या कहते हैं, ध्यान से। अरबी विचार इब्न खल्दून 1322 से 1406 तक है ना, ये है ना ट्यूनीशिया में जन्म हुआ। अरबी थे, अरबी इतिहासकार है ना, दार्शनिक भी थे, समाजशास्त्री भी थे, राजनीतिक भी थे, न्यायाधीश भी थे है ना। अपने शिक्षकों में वो अल अबीदी से सर्वाधिक प्रभावित। उन्होंने ही इब्न खल्दून को दर्शन से परिचित करवाया। जीवन के अंतिम वर्ष में उन्होंने मिस्र में गुजारे और वहीं पर इनकी मृत्यु। कौन? इब्न खल्दून। इब्न खल्दून के सिद्धांत को क्या कहते हैं? इब्न खल्दून का कौन सा सिद्धांत है, कौन बताएगा? चलिए, कितने लोग बता सकते हैं कि इब्न खल्दून का सिद्धांत क्या है? चलिए देखिए, यहां पर इब्न खल्दून का काल बड़ा अशांत, अव्यवस्थित और अनियंत्रित था। ईएफ गाटिये ने इन्हें इतिहास का सहारा कहा। इस दौर में मंगरेब की स्थिति में परिवर्तन हो रहा था और स्पेन में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ रहा था। तो इतिहास का सहारा किसे कहा गया? इब्न खल्दून में। इनका सिद्धांत अवयवी सिद्धांत कहलाता। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अवयवी। इनका सिद्धांत अवयवी सिद्धांत है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? किताब अल इबार अल तारीख है ना। इसमें इन्होंने अरबों का ब्यौरा दिया। मध्य एशिया से इटली तक सभी राष्ट्रों का जिक्र है। मंगरेब के बर्बर राजवंश का भी ब्यौरा है। किसकी किताब है ये? इब्न खल्दून। तो इब्न खल्दून का एक अवयवी सिद्धांत है। अवयवी सिद्धांत किसका है ये? इसी को कहीं ना कहीं आगे चल के संरचनात्मक थ्योरी कहते हैं। संरचनात्मक सिद्धांत भी इसी को माना जाता है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका कि परिस्थितियां या घटनाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक के बाद एक आती हैं। ये इब्न खल्दून की विचारधारा है कि परिस्थितियां एक के बाद एक इंटरकनेक्ट होती हैं। ये भैया इतिहास दर्शन है। इतना हलवा जैसा समझ में आ जाए कौन क्या है, इतना ही इतिहास नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जब आप पहुंचेंगे
तब इस प्रकार की विचारधारा को आप समझ पाएंगे। तो आपने इब्न खल्दून की पुस्तक किताब अल इबार अल तारीख के बारे में जाना, और ये भी जाना इस किताब में उनकी आत्मकथा के साथ साथ क्या है अरबों की जानकारी, फिर मध्य एशिया से लेकर इटली तक, इटली तक क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें उसमें दी गई है। और इनका जो सबसे प्रमुख किताब है वो है क्या, है ना, ये अवयवी सिद्धांत संरचनात्मक थ्योरी है इनकी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए इब्न खल्दून के मौलिक सिद्धांत क्या है, इनके कौन कौन से विचार हैं, अभी मैंने जैसी विचारों की बात आपसे की, इब्न खल्दून ने इतिहास को वैसा ही वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास किया जैसा अन्य विधाओं को प्राप्त हो चुकी थी, इसके लिए उन्होंने कुछ मौलिक सिद्धांत दिए। सिद्धांत क्या है इनके, इब्न खल्दून ने बताया कि सामाजिक क्रियाकलाप कुछ नियमों के अधीन चलते, जो प्राकृतिक नियमों की तरह अटल न होते हुए भी इतने अस्थाई होते हैं कि उनके फलस्वरूप सामाजिक घटनाओं के निश्चित क्रम और गति व स्वर होते हैं, है ना। सामाजिक क्रियाकलाप निश्चित नियमों के अधीन होते हैं, तो यही इनका सिद्धांत क्या कहलाता है, अवयवी या संरचनात्मक सिद्धांत या स्ट्रक्चरल थ्योरी, एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली, यही ये बात कहते हैं। क्रियाकलाप के कुछ नियम अधीन चलते हैं, उनमें कुछ सिस्टम होता है, प्राकृतिक नियमों की तरह अटल तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बार वो दोहराए जाते हैं कि वह प्राकृतिक नियम जैसा ही हो जाते हैं, है ना, ये आपको समझना होगा। आगे देखिए, ये खल्दून साहब की मौलिक विचारधारा है, तो जितने जल्दी से समझ जाएंगे उतना बेहतर होगा। और इनकी दूसरी जो थ्योरी है भैया खल्दून साहब की, ये भी देख लो, इन नियमों की प्रक्रिया और प्रभाव जन समूहों में होता है, न कि पृथक व्यक्तियों में होता, मतलब जो इतिहास के घटनाएं होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं, इनका प्रभाव जन समूह में होता, एक विशेष समूह में होता है, नॉर्मली नहीं ऐसे होता, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और देखिए तीसरा सिद्धांत, एक ही तरह के विभिन्न समाजों में एक ही श्रेणी के नियम कार्यशील होते हैं, चाहे वो देश और काल के अंतराल से एक दूसरे से दूर भी। इनका कहने का मतलब जो नियम है कि इसके बाद ये होगा, अगर आपने हमला किया तो रिएक्शन भी होगा, तो उस रिएक्शन से निपटने के लिए व्यवस्था करिए, है ना। तो ये नियम हर जगह लागू होंगे, हर जगह लागू होंगे। आज अमेरिका सहित यूरोप के कई देश मिलकर रूस के विरुद्ध यूक्रेन को खड़ा करना चाहते हैं, तो रूस भी अपना अलग समूह बनाकर तैयारी कर रहा है कि हम भी ग्रुप बनाकर, है ना, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो ये कुल मिलाकर हर जगह ये थ्योरी बनेगी, चाहे वो भारत हो, चाहे विदेश हो, कहीं भी हो, इस प्रकार की विचारधारा आपको सामने दिखाई देगी। आगे देखिए, ये इब्न खल्दून साहब है, एक इन्होंने और बात कही, असबिया क्या है इनका, कभी कभार प्रश्न पूछता है असबिया, व्हाट द असबिया, क्या है इनकी भाषा, असबिया का क्या मतलब है इनकी भाषा, सामूहिक भावना, स्वाभाविक एकजुटता या दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक लक्ष्य निर्धारण करने की इच्छा या तत्परता ही असबिया कहलाती है। असबिया रक्त संबंधों, सामूहिक भावनाओं, पारस्परिक निकटता और आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। धर्म असबिया को दृढ़ करने का एक सफल साधन है। सामूहिक लक्ष्य निर्धारण करने की इच्छा तत्परता को असबिया कहते हैं। सामूहिक भावना, स्वाभाविक एकजुटता या एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक लक्ष्य निर्धारित करने की इच्छा या तत्परता को असबिया कहते हैं। और ये कैसे डेवलप होती है, असबिया रक्त संबंधों,
सामूहिक भावना, पारस्परिक निकटता और आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। धर्म जो होता है असभिया को मजबूत करने का एक साधन होता है। इब्न खल्दून के अनुसार समाज का स्वरूप और संस्थाएं असभिया से उत्पन्न होते हैं, है ना? समाज का स्वरूप और संस्थाएं, समाज का स्वरूप कैसा होगा, सामाजिक संस्थाएं कैसा होंगी, ये डिपेंड करेगा कि वहां जो एक दूसरे के साथ मिलकर लोग रह रहे हैं, माने असभिया जो डेवलप है, उनकी क्या विचारधारा, असभिया में लोग क्या देख रहे हैं, है ना? तो ये आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए सामाजिक जीवन अनिवार्य है। तो अरस्तु भी कहा है, किंतु उसकी व्यक्तिगत जिज्ञासा और लिप्सा को रोकने के लिए भी ये बातें रहती हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? ठीक, चलिए अगला जो विचारक है उस पर आप ध्यान दीजिए। अब जो मैंने आपको भी समझाया, इब्न खल्दून की विचारधारा, समाज का शारीरिक व्याख्या, मैंने जीव वैज्ञानिक व्याख्या किया समाज कैसा होता, इब्न खल्दून के अनुसार समाज भी शरीर की तरह विकसित, प्रौढ़ और क्षीण होकर अपना निश्चित जीवन काल व्यतीत करता है, है ना? यही है अवयवी थ्योरी, स्ट्रक्चरलवाद, यही है। धीरे धीरे असभिया जो समाज रूपी शरीर की जीवन शक्ति है, माने जो उनके सोसाइटी के रीत रिवाज है, असभिया से तात्पर्य इनके क्या है, इनके सामाजिक रीत रिवाज, सामाजिक रीत रिवाज ही असभिया है, है ना? और इसका अंत हो जाता है। सुधारों से भले ही कुछ समय के लिए नियति के इस निर्णय को टाल सके, किंतु अंत में इसको कार्यान्वित होना है। इस दृष्टि से इतिहास समाजों का जीव विज्ञान है, इसे ही इब्न खल्दून का समाज का अवयवी दृष्टिकोण और जीव वैज्ञानिक व्याख्या कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है और जो होना है वह होके रहेगा, है ना? ये बात समझ में, कितनों की समझ में आ रही बात कमेंट करो, कितने बात को समझ पा रहे कमेंट करो। कुछ नया है अभी तक तुम लोगों की आदत से प्रश्न करने के लिए है, रट्टाफिकेशन, इसका ये तथ्य, इसका ये तथ्य, यहां दिमाग लगाना पड़ता है, यहां सोचना पड़ता, तब जाके बड़े बड़े स्टेटमेंट आप सॉल्व कर पाएंगे। वैसे भी आपने नेट जेआरएफ में देखा, इतनी बड़ी बड़ी पीसें दी जाती हैं, वो कैसे सॉल्व करोगे? ये विशेष करके इस लेवल की तैयारी इसीलिए शुरू कराने का प्रयास हमने किया है, जिससे आप सभी लोग बेहतर ढंग से अपना निर्माण कर पाए, है ना? तो ये इब्न खल्दून को आपने समझा या नहीं समझा? हाँ, चलिए बाकी इसी से रिलेटेड, असभिया से ही रिलेटेड उनके और भी विचार हैं। इब्न खल्दून साहब ने कहा घुमंतु और अस्थाई समाजों का जीवन काल, घुमंतु समाज जीवन की अवधि लगभग 160 वर्ष, असभिया चरम सीमा तक पहुंचा हुआ होता। माने इनके अनुसार 160 वर्ष तक जो कबीलाई संस्कृति होती है समूह की, वह चरम पर होता। राज्य का नियंत्रण बलपूर्वक नहीं, बल्कि समाज एकत्रित होकर काम करता है, है ना? ये 160, ये कभी भी प्रश्न पूछ सकता है। इब्न खल्दून के अनुसार सामाजिक संस्कृति जिसे असभिया उन्हें कहते हैं, वो कितने वर्षों तक जीवित रहता है या एक्टिवेट रहता है, है ना? सामूहिक रूप से घुमंतु समाज में असभिया तो 160 वर्ष, जबकि अस्थाई समाज में कम हो जाता 120 वर्ष।
तो ये इनका कहने का मतलब यही है कि किस तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट होता है और एक समय के बाद उसका विनाश हो जाता है, इस प्रकार की थ्योरी इन्होंने देने का प्रयास किया। प्रथम पीढ़ी में क्या होता, घुमंतु जीवन में बर्बरता होती है, कर्कशता होती है, युद्ध हिंसा लूटमार की भावना होती, किसमें, घुमंतु समाज में। यह प्रसार विजय युद्ध वीरता और उन्नति का काल होता है, राज्य कार्य में सभी लोगों का सहयोग होता है। यह कौन सा युग है, यह घुमंतु समाज की असलिया में है, इसकी कल्चर में है। और जब अस्थाई समाज हो जाता है उसका सिस्टम दूसरी पीढ़ी में आ जाता, किसमें आता, दूसरी पीढ़ी में आ जाता, क्या आ जाता, देखो ध्यान से, ठीक है ना, दूसरी पीढ़ी में आ जाता, दूसरी पीढ़ी। ठीक, चलिए, तो दूसरी पीढ़ी में क्या आ जाता, इनमें शासक वर्ग विजित जातियों के आचार विचार ग्रहण कर लेते हैं और उनकी रीति नीति में एक शिस्ता आती है, शासन एक विशेष वर्ग दल घराने की बकौती बन जाता, किंतु पहली पीढ़ी की युद्ध प्रियता और साहस का कुछ अंश बचा रहता है, यह नागरिकता स्थायित्व और संस्कृति के विकास का युग होता है ना। कहते हैं कि जो असबिया होती है उससे दूसरी पीढ़ी में क्या होता, उससे कल्चरल डेवलपमेंट होता है ना, अस्थायित्व आता है, नागरिक नियम डेवलप होते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास असबिया की द्वितीय चरण में होते हैं। तृतीय पीढ़ी, इस पीढ़ी में घुमंतु जीवन के सभी तथ्य लुप्त हो जाते हैं, शासक वर्ग विरासता में डूब जाता है, लोग भी नागरिक जीवन के ऐश्वर्य भव्यता में खो जाते हैं, भोग विलास में डूब कर उनके मां और शरीर, मानसिक और शारीरिक स्थिति उनकी शिथिल पड़ जाती है और अंत में उनका पतन हो जाता है। तो तीन प्रकार के इन्होंने नियम बताए जीवन के, है ना, तीन प्रकार के, पहला घुमंतु लड़ाकू रहता है, दूसरा राजकीय गुणों वाला रहता है, तीसरा स्थिर जीवन वाला रहता है ना, और उसी जैसे स्थिरता आती कि अब तो भाई हमारे पास सब कुछ हो गया है, वहीं से भोग विलास में डूबना शुरू हो जाता है और जहां से उस खानदान का पतन हो जाता है। ठीक है, देखो इन्होंने पूरा यही चीज कहा, उसकी शक्ति साहस और सक्रियता लुप्त हो जाती है, उन पर सुरा और सुंदरी का उन्माद छा जाता है, कब, तीसरे चरण में जब पूरा कंप्लीट हो जाता, यह पतन और विघटन का युग होता है। शासक वर्ग के दृष्टिकोण से राज्य का जीवन पांच अवस्थाओं से गुजरता है, पहला समस्त जन कार्य में सम्मिलित रहता है राजा शासक, दूसरे शासक वर्ग समस्त सत्ता पर अधिकार कर लेता है, उनके विरुद्ध आवाज उठाते, जो उनके विरुद्ध आवाज, पहली चीज जनता में रहता, दूसरे में जनता की आवाज दबाता, तीसरे में आनंद माने मस्त हो जाता है, एकदम डूब जाता संसौकत, चौथे में निष्क्रिय और उदासीन, यह हमारा कोई क्या कर पाएगा, और पांचवें में धन धान्य को विलासता और प्रदर्शन में नष्ट करता, जहां से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जिस प्रकार शरीर का होता है सिस्टम, उसी प्रकार राज्य का होता है। तो सारे चरणों को यहाँ पर इब्न खल्दून साहब ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में समझाने का प्रयास किया है ना। तो ये इनकी यही थ्योरी अपने आप में बहुत बार चर्चा में रही है। ठीक है, बस तो ये इब्न खल्दून तक आपको समझना है, इसके बाद इतिहास में गड़बड़ी कैसे होती है, स्रोतों का एरर्स क्या, आज आपको मैंने कुछ थ्योरी बताई, इतिहास दर्शन बताई, अब इसके बाद जो अगला चरण आपका होगा वो थ्योरी के साथ कैसे पक्षपात होता है लेखन में, विचारधारा में, इन सब की मैं चर्चा आपसे अगली क्लास में करूंगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स प्लीज, निश्चित थोड़ी सी उबाऊ रहेगी, लेकिन जब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, बड़े लेवल पर तैयारी करने का प्रयास करेंगे, वो निश्चित आपको बेहतर करेगा। तो ये
आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। और जैसा कि हमारी संस्था का नंबर स्क्रीन पर है, आप देख भी रहे हैं, पुनः याद दिला दूं आपको, है ना, क्या है 9628, यहां सीधे ऊपर लिखा है, नहीं दिख रहा तो और नीचे करता हूं, एक मिनट, जो हमारी संस्था का लोगो है आपको देखना चाहिए, टीचर्स एकेडमी में आप सीधे देखिए, आपका स्वागत है इसमें। अब देखिए ये है नंबर 9628959237 8318929। इन दो नंबरों के द्वारा आप हमारा सहयोग ले सकते हैं, हमसे आप जुड़ सकते हैं। हाँ, जब लक्ष्य बड़ा होगा तभी आप हमारे साथ जुड़ भी पाएंगे, अन्यथा ये चीजें लगेंगी हवा हवा। बेटा आपको बता दें कि जिस लेवल पर आप तैयारी करना चाह रहे हो उसमें समय देना पड़ता है, इस प्रकार की फिलोसफिकल चीजों का डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे टफेस्ट जोन आज लेके मैं आपके लिए उपस्थित हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।